आज हम मध्य प्रदेश के खनिजों से संबंधित कुछ प्रश्नों को लगाएंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम हमारे प्रश्नों की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से प्राप्त होने वाले कुल कितने खनिजों को गौण खनिज के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन से हमारे 38, 31, 29 या 32। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश में 31 खनिजों को गौण खनिज के रूप में घोषित किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो हमारे ऑप्शन से इस प्रश्न के लिए 19 जनवरी 1961, 16 जनवरी 1962, 18 फरवरी 1963 या 19 फरवरी 1962। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 19 जनवरी 1962 को। और वर्तमान में भी खनिज विकास निगम के जो अभी प्रबंध संचालक है वो श्री नीरज मंडलोई जी हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम खनिज नीति वर्ष 1995 में घोषित की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। और उसके बाद 7 सितंबर 2010 को नवीन खनिज नीति लागू की गई जो वर्तमान में चल रही है मध्य प्रदेश में। हमारा आज का चौथा प्रश्न है, देश में मध्य प्रदेश का हीरा उत्खनन व उत्पादन में कौन सा स्थान है? इसके लिए ऑप्शन है प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या द्वितीय। तो मध्य प्रदेश का देश में हीरा के उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। और भारत में लगभग मध्य प्रदेश राज्य में ही 90% हीरे के भंडार पाए जाते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रमुख हीरा उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का प्रमुख हीरा उत्पादन वाला जिला आप सभी को पता होगा पन्ना है, तो इसलिए इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा। हमारा आज का छठवां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कोयले की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? ए टर्शियरी चट्टाने, बी धारवाड़ चट्टान, सी कुड़प्पा चट्टाने, डी गोंडवाना चट्टाने। तो मध्य प्रदेश में कोयले की प्राप्ति गोंडवाना चट्टानों से होती है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब है। और मध्य प्रदेश में इन चट्टानों का विस्तार दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी भाग में पाया जाता है। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, देश में मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है? चतुर्थ, पंचम, तृतीय या द्वितीय? तो देश में कोयले उत्पादन में मध्य प्रदेश का चतुर्थ स्थान है। ध्यान रखिएगा, कोयले के उत्पादन में चतुर्थ स्थान है और कोयला भंडारण में पंचम स्थान है। हमारा आठवां प्रश्न है आज का, जो एमपीपीएससी 2013 और एमपीएसआई 2016 में पूछा गया था, विश्व में कोयले की दूसरी सबसे मोटी परत मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो विश्व में कोयले की दूसरी सबसे मोटी परत मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पाई जाती है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। हमारा आज का नवा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले में अवस्थित है? इसके लिए हमारे ऑप्शन है नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीधी या शहडोल। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी शहडोल होगा। और शहडोल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र अवस्थित है जिसका नाम है सुहागपुर कोयला क्षेत्र। आज का हमारा दसवां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित मझगांव खदान किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित मझगांव खदान हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप सबको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा पाया जाता है, तो इसलिए मझगांव या मझगवा खदान जो बोलते हैं वो हीरे के उत्पादन के लिए हमारा काफी 11वां प्रसिद्ध प्रश्न है। है, मध्य प्रदेश का मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या द्वितीय? तो मध्य प्रदेश का मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। हमारा 12वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गौण खनिज रेत के निर्वर्तन हेतु मध्य प्रदेश रेत खनन नीति किस वर्ष जारी की गई थी? तो वर्ष 2017 में गौण खनिज रेत के निर्वर्तन हेतु मध्य प्रदेश में रेत खनन नीति जारी की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। हमारा 13वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज की प्राप्ति धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होती है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। और मध्य प्रदेश में धारवाड़ चट्टानें मुख्यतः बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में पाई जाती है।
हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान भरवेली मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अपने बालाघाट जिले में एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान उपस्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश मैग्नीज के उत्पादन में देश में भी पहले स्थान पर आता है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अधिकतम मैग्नीज का उत्पादन करता है? यह प्रश्न एमपीपीएससी 2003 में भी पूछा गया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए हमारे ऑप्शंस है बालाघाट, जबलपुर, सतना या छिंदवाड़ा। तो मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला अधिकतम मैग्नीज का उत्पादन करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न, आपको ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो से जुड़े या कोई भी सलाह सुझाव हो तो आप वो भी ज़रूर बताइए। और मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा यानी कि एमपीपीएससी आपका टारगेट है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल पूर्णतः एमपीपीएससी पर ही फोकस्ड है। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।